ओम धर्म सेवा एवं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सुमनशील और मनोकामनेश्वर शिव मंदिर के सदस्यों पदाधिकारियों द्वारा सोमवार को शिवनाथ नदी तट से पावर हाउस स्थित मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ओम धर्म सेवा एवं जन कल्याण समिति द्वारा सावन माह के अंतिम सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई। समिति के अध्यक्ष सुमनशील के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिव भक्त शिवनाथ नदी के तट पर पहुंचे और वहां से कांवड़ में जल भरकर पैदल पावर हाउस स्थित मनोकामनेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक सभी शिव भक्तों द्वारा किया गया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर समिति के अध्यक्ष सुमनशील ने जानकारी दी। शास्त्रों एवं पूर्वजों के द्वारा कहा गया है कि सावन मास के समय बाबा भोलेनाथ के जटा में माँ गंगा जी विराजमान रहते हैं, जिस कारण से हर श्रद्धालु सावन मास के समय लोग गंगा या नदी से जल लेकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। उसी उद्देश्य से विगत 19 वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वा वर्ष ओम धर्म सेवा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में एक विशाल कांवड़ यात्रा शिवनाथ नदी तट से निकालते हुए पावर हाउस चौक के मनोकामनेश्वर शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शिवनाथ नदी तट पर पहुंचने के उपरांत महिला श्रद्धालु के द्वारा सर्वप्रथम माँ गंगा जी की आराधना की गई और आरती करने के पश्चात कांवड़ियों का करीब 250 से अधिक कांवड़ियों के द्वारा कांवड़ में जल लेकर शिवनाथ नदी तट से प्रारंभ होते हुए दुरूप होते हुए गैरेज रोड से पावर हाउस पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर पर जलाभिषेक किया गया तथा सभी शिव भक्त के उपस्थिति में देश एवं प्रदेश की जल कल्याण की कामना भी की गई। गौरतलब है कि सावन के अंतिम सोमवार को शहर के सभी शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाया गया। साथ ही भगवान भोलेनाथ से सभी की सुख शांति खुशहाली की कामना की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।